Yes, students, now we discuss some questions. Firstly, prove that the sequence 1 plus 1 upon the n whole raised to power n is bounded. इसको bounded prove करना है और bounded क्या होता है? When we are upper bound and lower bound, then that sequence become bounded. So, कैसे करते हैं? पहले हम उसको क्या नाम दे दिया? If this is equal to an, which is equal to 1 plus 1 upon n the whole raised to power n. अब इसमें क्या है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड अगर लेके आना है तो हमारे पास कुछ कांस्टेंट होना चाहिए जिसमें जो ये पावर है इसको हमें किसी तरह सॉल्व करना है. तो उसके लिए हम क्या है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं बाइनोमियल की फॉर्म में. बाइनोमियल हमारी क्या होती है, 1 plus x raised to power n which is equal to 1 plus nx plus nn minus 1 x square upon 2 factorial and plus nn minus 1 n minus 2 x cube upon 3 factorial. ये कटिंग ऐसे हमारे टर्म्स आते जाते. तो इसमें हम अगर कंपेयर करते हैं तो हमारा n तो n ही है, बट व्हाट इज x, x इज ऑफ द फॉर्म 1 by n. तो अब इसमें हम बाइनोमियल एक्सपेंड करते हैं बेटे. सो 1 plus n x इज 1 by n plus n n minus 1 x d square by 2 factorial n n minus 1 n minus 2 3 factorial x d cube and so on, जो हमारे पास आगे टर्म्स आते हैं. इसमें आप क्या देख रहे हो, 1 n के साथ n कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और इसमें एक n है इसके साथ n कैंसिल हुआ है और एक n हमारे पास नीचे है और ऊपर टर्म क्या आ रही है, n minus 1. सो दिस बिकम 1 minus 1 by n, बिकॉज हम इसको कैसे लिख लेंगे, n minus 1 by n, और जब इसको ब्रेक किया सो दिस बिकम 1 minus 1 by n एंड 2 फैक्टोरियल. सिमिलरली इसमें भी एक n कैंसिल हुआ है पर ये 3 n थे तो 2 n हमारे पास अभी भी लेफ्ट है. सो उनको हम इन दोनों टर्म्स के साथ ऐसे कंज्यूम कर लेंगे एंड साथ में क्या आ रहा है हमारा 1 बाय 3 फैक्टोरियल आ रहा है प्लस सो ऑन, ऐसे टर्म्स हमारी आएगी. अब हम इसमें आगे फर्दर क्या कर रहे हैं, भी दीज टर्म्स और दिस टर्म इसमें क्या फर्क है हमारा, भी ये जो टर्म्स हैं और ये टर्म्स में लेस देन इक्वालिटी का फर्क है, बिकॉज इसमें हमारे पास ये फैक्टर्स भी आ रहे हैं, 1 माइनस कुछ हो रहा है तो ये टर्म हमारी कम हो जाती है जब इसमें इस फैक्टर के साथ ये फैक्टर आता है. सिमिलर इसमें भी ये दोनों फैक्टर आते हैं, ये टर्म जो है हमारी बिगर टर्म है, तो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है पर बड़ी कौन सी टर्म है, ये टर्म है, बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस टर्म, बिकॉज इसमें जब हम कुछ माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें कुछ ना कुछ 1 में से माइनस हो रहा है, तो ये टर्म हमारी लेस टर्म है और ये टर्म हमारी बड़ी टर्म है. और इसको क्यों बनाया जा रहा है बेटे, बिकॉज वी नो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स. ई रेस टू पावर एक्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, पर कोई एक्स नहीं है जिसमें एक्स की वैल्यू 1 होगी हमारी, तो वैल्यू या सब्स्टिट्यूटिंग है एक्स इक्वल टू 1, सो दिस बिकम दिस सीरीज एंड और ये दोनों हमारी क्या है सम सेम आ गई. दिस मीन्स ये हमारी जो एक्सपेंशन है बेटे ये ई की एक्सपेंशन है और इसमें एक्स हमारा क्या है 1. सो दिस मीन्स जो सीक्वेंस है वो क्या आ गई, एन लेस देन ई आ गई. दिस मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी बाउंडेड अबव आ गई और किससे बाउंडेड है ये, बाय ई से बाउंडेड है, बाय अपर बाउंड हमारा इसमें क्या आ गया, ई दी पावर 1 आ गया. बट वी हैव टू प्रूव बाउंडेड, दिस मीन्स लोअर बाउंड भी होना चाहिए. तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इसी टर्म से आए हैं, इस टर्म से आते हैं, दिस इज 1 प्लस, 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा, दिस मीन्स इस सीक्वेंस की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी. हमें इक्वल टू 1 भी नहीं लिखा, हम क्या लिख रहे हैं, दिस इज ग्रेटर देन 1, 1 प्लस कुछ आ रहा है, दिस मीन्स 1 में कुछ ऐड हो रहा है, दिस मीन्स दिस सीक्वेंस इज ग्रेटर देन 1. तो ग्रेटर देन 1 दिस मीन्स ये ऐसे बन गया, दिस इज ग्रेटर देन 1 और इस साइड क्या आया था हमारा, लेस देन ई बाउंडेड लोअर अपर बाउंड, ये हमारा अपर बाउंड है ये लोअर बाउंड है, और जब हमारे पास दोनों ही बाउंड आ जाते हैं देन वी कॉल दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड. तो सीक्वेंस को बाउंडेड कैसे लेके आते हैं, लोअर बाउंड और अपर बाउंड होंगे, सीक्वेंस जो है बाउंडेड होगी दोनों बाउंड्स के बीच में, देन वी कॉल सीक्वेंस इज बाउंडेड. और जब इसको ओपन किए उसके बाद हमने कैसे लेके आना है ये आपने देखना है, कोई ना कोई एक्सपेंशन बन जाती है या वेन वी आर अप्लाइंग लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिटी टर्म जीरो बन जाती है, जो बाकी टर्म्स है उसको रीराइट किस फॉर्म में लिखना है सो डेट अपर बाउंड आ जाए या लोअर बाउंड आ जाए वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने देखना है. सो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिकॉज दिस हैज अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू प्रूव दैट
फैक्टोरियल एन अपॉन एन रेज टू पावर एन इज ए नल सीक्वेंस। फर्स्टली नल सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस विच टेंड्स टू जीरो, मतलब उसकी लिमिट क्या है, जीरो, देन एन टेंड्स टू इंफिनिटी। यस फर्स्टली वी आर इसको क्या ले लेते हैं, टेकिंग ए एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन रेज टू पावर एन। यस क्योंकि हमने लिमिट इंफिनिटी लगानी है, नल सीक्वेंस प्रूव करना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे सो डेट मेरे पास ऊपर न्यूमिनेटर में एन ना रहे, क्योंकि तब वो इनफाइनाइट बन जाएगा। हमने इसको क्या बनाना है, वन बाय एन की फॉर्म में, सो डेट वो वन बाय इन्फिनिटी बन जाए और मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया जीरो। तो फैक्टोरियल एन को ओपन किया तो दिस इज एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, सो ऑन टू इंटू वन, मतलब ये जो फैक्टोरियल ओपन किया इसमें टर्म जैसे वन वन माइनस करके जाते हैं और एन कहाँ पे हो जाता है, वन। सिमिलरली यहाँ पे एन कितनी है, एन दी पावर एन, उतने ही हमारे पास एन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, एन टाइम्स ही एन आ रहा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, हर एक की टर्म के नीचे हमने एन एन सेपरेट कर दिया बिकॉज वी हैव टू इसको क्या करना है, मेक दीज टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ वन अपॉन एन के फॉर्म में। तो बेटे जब ये ऐसे बनाया, ये कट गया, ये क्या बन गया, वन माइनस वन बाय वन, वन माइनस टू बाय एन, एंड लास्ट टर्म जो है वो है वन बाय। नाउ ये जो सारी टर्म्स हैं क्या है, व्हेन वी आर अप्लाइंग एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब हम इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये टर्म क्या है, वन बाय इन्फिनिटी, और वन बाय इन्फिनिटी क्या हो जाता है हमारा जीरो। दिस सीक्वेंस जो क्या है, इन टर्म उसने क्या किया, इसमें सिर्फ एक टर्म सेलेक्ट कर ली वन बाय एन, बिकॉज अगेन वही चीज, इसमें जो ये सारे टर्म्स है ये फैक्टर है और इसमें फैक्टर में वन माइनस कुछ हो रहा है, दिस मीन्स वो क्या कह रहे हैं, दिस इज लेस देन वन बाय एन। व्हाट इज वन बाय एन, व्हेन वी अप्लाई एन टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस बिकम जीरो। और जब किसी सीक्वेंस की एन लिमिट अप्लाई करने पे रिजल्ट जीरो आ जाए, लिमिट जीरो आ जाए, देन दैट बिकम नल सीक्वेंस, वो सीक्वेंस हमारी क्या हो जाती है, नल सीक्वेंस बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टू द 2 अपॉन 1 दी पावर 1 है, 3 बाई 2 दी पावर 2 है, ऐसे ही सोन आगे हमारा कंसेप्ट चल रहा है, और इसकी होल रेस टू पावर 1 बाई एन क्या है, इज इक्वल टू। तो इसमें क्या है बेटे, सबसे पहले तो आप ये देखोगे भी इसमें हम कोई थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने थ्योरम सेकंड कोशी की डिस्कस की थी, वो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, क्या रिजल्ट आया था, कि जो लिमिट ए एन की रेस टू पावर वन बाय एन की है वही सेम लिमिट हमारी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन की लिमिट होती है। तो इसमें क्या है, हमको ये ज्यादा मुश्किल है सॉल्व करना, ये इजी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो इसका रिजल्ट आएगा वही सेम क्या आ जाएगा, ए एन की रेस टू पावर वन बाय एन, एंड व्हाट इज ए एन, दिस कंप्लीट टर्म, और वन बाय एन हमारे पास है ही ऑलरेडी, सो दिस मीन्स दिस होल टर्म इज इक्वल टू ए एन। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड ए एन प्लस वन, हमें ए एन प्लस वन फाइंड कर लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा, ये सारी टर्म्स तो आएंगी आएंगी, पर एक टर्म और आएगी, मतलब एन की जगह पे जब एन प्लस वन करेंगे, तो यहाँ पे एन प्लस वन किया तो एन प्लस टू बन गया, और नीचे एन प्लस वन आ गया, और पावर में भी क्या आ गया, एन प्लस वन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों को डिवाइड करना है, जब दोनों को डिवाइड करेंगे बेटे सारी टर्म्स यहां तक कैंसिल हो जाएंगी, ओनली हमारे पास क्या रह जाएगा, एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन दी होल रेस टू पावर एन प्लस वन। नेक्स्ट स्टेप क्या रह गया, लिमिट अप्लाई करना एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो इसमें अगेन फर्दर वही पॉइंट है बी, अगर हम सीधा इन्फिनिटी लगाते हैं तो वो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। सो हम इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसी सेम टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और आप इसको सॉल्व करके देखो, ये अगेन सॉल्व करके एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन सेम टर्म ही आएगी। बट नाउ व्हेन वी आर अप्लाइंग लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी दिस टर्म, देखो अब इसमें क्या है, आपके पास एक रिजल्ट होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी होती है ए एन, जो इसमें ऐसे वन प्लस जो यहाँ पे फंक्शन है, सपोज करो एन है, वही हमारी पावर होती है अगर, तो देखो क्या है, हम इसमें इन्फिनिटी यहाँ पे ऊपर नहीं लगाते, यहाँ पे वन बाय इन्फिनिटी नहीं लिखते, हम क्या कहते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है वन प्लस वन बाय एन दी रेस्ट पावर है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो अब जब हम इसका रिजल्ट लिमिट इन्फिनिटी लगाते हैं तो वो क्या आता है, ई आता है।
सो सेम इज हियर, तो यहाँ पे n प्लस वन है तो पावर में भी क्या है n प्लस वन. सो व्हेन वी अप्लाई लिमिट, जब हम यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी लगाएंगे तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, e आ जाएगा. पर उसने हमसे ये नहीं पूछा, उसने हमें से क्या पूछा है, इसकी होल रेज टू पावर 1/n. सो इसके बाद हम क्या करेंगे, वी हैव रिजल्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू e बाय कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, वी हैव दिस टू सीक्वेंस इक्वल. अगर ये इक्वल है तो इसका रिजल्ट ई आया, दिस मीन्स जब ए एन का, और ए एन क्या है बेटे, ये इसकी पावर जब हम लेंगे 1/n तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगी, लिमिट क्या आएगी, सेम, और वो क्या है ई. यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था. सो बाय कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स वी हैव प्रूव दैट ए एन दी रेस्ट पावर 1/n इज इक्वल टू ई. पर पहले हमने क्या किया था, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन को सॉल्व किया, उसका जो रिजल्ट आया सेकेंड थ्योरम के अकॉर्डिंग वो ही हमारा किसका आ गया, ए एन दी रेस्ट पावर 1/n इज इक्वल टू ई आ गया.